राम राम किसान भाइयों, अनमोल किसान के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान में पत्ती लपेटक कीट के बारे में। तो किसान भाइयों, उमस और गर्मी के साथ साथ रिमझिम बरसात धान की फसल के लिए संजीवनी साबित हो रही है, और ऐसे समय में जो धान में होते हैं कुछ कीटों के प्रकोप बढ़ जाते हैं, तो उन्हीं में से एक होता है लीफ फोल्डर यानी कि पत्ती लपेटक कीट। तो ये कीट इस समय की इसकी प्रसार की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। यह फसल की पत्ती को खाने के साथ साथ उसमें अंडे भी देता है, और इसी अंडों से 6 से 8 दिन में लार्वा निकलता है जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनको अंदर से कुरच कुरच कर खाते रहता है। इसके कारण क्या होता है, पौधे की वृद्धि और उत्पादन दोनों प्रभावित हो जाते हैं। जो मौत होती है, जो भूरे रंग का इसमें मौत होता है, वो जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर अंडे देते हैं जो सफ़ेद और पीले रंग के होते हैं। उनमें से 6 से 8 दिन में लार्वा निकलता है जो जो पत्ती होती है उसके अंदर, उसको खुरच खुरच के खा जाता है। उसके बाद वो अपने लार से एक रेशमी धागा निकालता है जिससे पत्ती का एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ के मोड़ देता है पत्ती को। इससे क्या होता है, जो प्रभावित खेत होता है धान की उसमें पत्तियां सफेद और झुलसी हुई दिखाई देने लगती हैं, और इस दशा में इस रोग का त्वरित उपचार करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैविक उपचार के बारे में। तो इस कीट से फसल को बचाने के लिए एक और कीट आता है जिसका नाम ट्राइकोग्रामा चिलोनिस होता है। इसको 1 लाख प्रति हेक्टर के हिसाब से आप खेत में छोड़ सकते हैं, जिससे ये इस जो कीट है इसको कंट्रोल कर लेगा, जो पत्ती लपेटक कीड़ा है उसको। दूसरी बात करें तो जो अपने मेड़े होती हैं, जो खेत में मेड़े होते हैं उनको बिल्कुल साफ रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं पे ये ज़्यादातर सर्वाइव करता है। दूसरी चीज़ बात करें तो नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर होते हैं उनका एक्सेस यूज नहीं करना चाहिए, उनको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात करें तो जो नीम के उत्पाद होते हैं, नीम ऑयल होता है, नीम सीड कर्नेल होता है, इनका स्प्रे करके भी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब हम रासायनिक उपचार की बात करें तो कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके जरिए भी इस कीट को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे कि मोनोक्रोटोपोस होता है 36%, उसके बाद होता है फिप्रोनिल 5% का भी इस्तेमाल करके आप इससे बच सकते हैं, क्लोरपाइरीफॉस 20% होता है, एसीटेट होता है 75%। दूसरे केमिकल की बात करें तो डाइक्लोरोस होता है 76%, ट्राइजोपोस होता है 40%, थाइमेटोक्जोम होता है 25%, फोजेलोन होता है 35%। इसके अलावा आप कोराजन फेम आदि इन दवाओं का इस्तेमाल करके भी अपनी इस फसल को इस रोग से बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाई आपको वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।